तो आज समझेंगे हीमोग्लोबिनोमेट्री के बारे में, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं हीमोग्लोबिनोमेट्री के। बात करें कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका रेड सेल का साइटोप्लाज्म का पार्ट है, जो कि 90% ऑफ ड्राई वेट कैरी करता है आपका। दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर कंपैरिजन की बात करें कि कैसे बना है हीमोग्लोबिन, तो हीम और ग्लोबिन के फॉर्म में बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे कि हीमोग्लोबिन मॉलिकुलर कैसा दिखता है, कैसी उसकी चेन होती है। दूसरा, उसके फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। वेरियस लेबोरेटरी मेथड के बारे में समझेंगे कि हीमोग्लोबिन को हम किस किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सहालीज मेथड है, साइनोमिक मेथड है, ऑक्सियो हेमैटिन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड के बारे में समझेंगे। एडवांटेज, हर एक मेथड का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। जैसे कॉस्ट में कईयों का एडवांटेज मिलेगा कि चीपेस्ट कॉस्ट का होगा, कईयों में कॉस्ट में मैक्सिमम हैवी कॉस्ट जा रहा होगा, ठीक है। तो उसी में हम इसका समझेंगे कि एडवांटेज यानी मेरिट्स क्या है और डिसएडवांटेज मतलब डीमेरिट्स क्या है। साथ ही साथ में हम हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज भी समझेंगे। नॉर्मल रेंज जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है आपका मेल, दूसरा होता है फीमेल, और तीसरा होता है एज ग्रुप। जैसे अगर बात की जा रही है इन्फेंट, जो बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट, आपने थर्ड क्राइटेरिया आज ही सुना होगा, हो सकता है कि इन्फेंट में जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप एडल्ट या फिर ओल्ड एज के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज मिलती है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्सपोज होता है न्यू एनवायरनमेंट में, तो उसका जो सेल फॉर्मेशन है, उसका जो सेल वर्किंग है, वो बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए एक कैटेगरी हमारी एज ग्रुप भी हीमोग्लोबिन को डिफाइन करती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये आपका पहले तो रेड ब्लड सेल है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या फंक्शन क्या होती है कि यही ऑक्सीजन कैरी करता है, आयरन कैरी करता है, और फॉलिक एसिड भी कैरी करता है। अब ये आरबीसी बना है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन की चेन आप यहाँ देख सकते हैं अपने डायग्राम में। ये आपका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। और बिल्कुल अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हिम पार्ट जो है यहाँ पे, इसके सेंटर में हिम पार्ट की बात की जा रही है, यह आयरन है, बीच में आयरन रहता है, साइड में उसके न्यूक्लियस है, फिर ये आपके कार्बन की चेन है। और कुछ आपको दिखेगा जो कि अलग अलग डायमेंशन, अगर मैं कहूँ तो, अगर जैसे आपने बहुत ही बेसिक की बात करूँ तो बेंजीन रिंग आपने पढ़ी होगी, ये इस तरीके की एक छोटी सी रिंग को अगर मैं पकड़ूँ तो बेंजीन रिंग है। अगर यहाँ पे हम CH3 लगा देते हैं तो, ठीक है, तो उसी की कॉम्बिनेशन का कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी, ये 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको 4 दिख रहे हैं, बाकी कार्बन की कुछ चेन है, और बीच में क्या है आपका आयरन है। इसको बोलते हैं हिम बी ग्रुप। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इसमें ग्लोबुलिन चेन होती है, ठीक है। कैसी ग्लोबुलिन चेन होती है, तो सीधा पार्ट पे आता हूँ मैं कि किस तरीके से इसमें दो तरीके का आपको दिखाई देगा, एक एडल्ट दिखाई देगा, एक फिटल हीमोग्लोबिन दिखाई देगा। अगर मैं एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो 2α β 2 चेन, ठीक है। अगर मैं फिटल की बात करूँ तो 2α2 एंड β 2 चेन दिखाई देगा, ठीक है। ये फिटल का है, यहाँ पे फॉर्मूला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये फिटल वाला हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडल्ट का, तो ये इस तरीके से एडल्ट ग्लोबुलिन चेन दिखाई देगी, जहाँ आपकी बीटा और अल्फा, यानी 2α ग्लोबुलिन चेन एंड 2β ग्लोबुलिन चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। HbA के नाम से डिनोट किया जाता है। कौन सा है आपका, ये है 50-90% ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है, जो कि अफेक्टेड क्या कर रहा है, 2% ऑफ 30 व्हील्स ऑफ एज, यानी 30 साल तक का जो है, यानी 30 साल तक 2% का जो हीमोग्लोबिन दिखाई देता है वो HbA की फॉर्म में दिखाई देगा। 30 वीक यानी आपके 30 हफ्ते तक जो आपका फिटल का है हीमोग्लोबिन, वो HbA की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। फिर होता है कि HbA2, ये आपका एडल्ट है, ठीक है। HbA2 आपका जो है वो क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन है, यानी जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, फिटल में 2% में 30 वीक्स तक में चेंज रहती है, जो कि क्या आती है, HbA, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है HbA2 में। नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर के अंदर में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि एडल्ट में क्या था हमारा, 2α एंड β 2 एडल्ट में दिखाई देगा। किस तरीके का स्ट्रक्चर कैसा होगा हीमोग्लोबिन का, वो फिटल की अगर मैं बात करें, नाम कैसा रहेगा इसका, HbA, ठीक है, एडल्ट में HbA दिखाई देगा।
बॉन्डिंग की बात करें टू अल्फा एंड बीटा टू एडल्ट पे दिखाई देते हैं। फेटल एचबी की बात करें तो एचबीएफ डिनोट्स किया जाता है उसको, टू अल्फा एंड गामा टू फेटल लाइफ में डिनोट करेगा। एचबी पोर्टलैंड ये एक्चुअली है क्या, अलग अलग लाइफ स्टाइल जगह को देखते हुए देखा गया कि भाई अलग और हिली एरियाज में कैसा रहता है, फिर आपके लोअर एरियाज है उसमें कैसा रहता है। तो यहाँ आपका डेल्टा और गामा, यहाँ डेल्टा गामा अल्फा और एस्प्लेन, ये दो जो है अनडिफाइंड है, अभी कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं किया गया है। आपको जो ध्यान रखने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो है ऊपर के, एच बी एंड एडल्ट में एच बी एच बी ए टू अल्फा टू बीटा एडल्ट, और फिटल एच बी एफ एच बी एफ जो डिनोट किया जाता है टू अल्फा एंड टू गामा फिटल लाइफ। अब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन पूरा कवर किया। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो आपका हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। मेजर काम क्या है इसमें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी टिश्यूज में से वो पिक करेगा, उठाएगा और ले जाके लंग्स में क्या करेगा, एक्सपोर्ट आउट कर देगा, और लंग्स के एल्वियोलाई से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अभी ट्रांसफर का काम हो गया ब्लड का, ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी, आरबीसी के अंदर पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो किसके लिए है, वो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाध्य है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। बात करते हैं एस्टिमेशन की, कि भाई किस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी हीमोग्लोबिन को कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कलर, अगर हम सिर्फ कलर के डेवलपमेंट के बेस पे बात करें कि भाई कलर चेंज हो रहा है और हम उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो पहला है, सबसे आता है आपका सहालिज और एसिड हिमैटिन मेथड, सहालिज मेथड, या दूसरा नाम है इसका एसिड हिमैटिन मेथड। उसके बाद है आपका साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड, फिर है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, फिर एल्कलाइन हिमैटिन मेथड। ये तीन चार मेथड जो है ये कलर बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग इसमें कि कैसा हीमोग्लोबिन है, यानी कलर चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज होता है, फिर हम इसे कंपेयर करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं, कोई स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर करते हैं, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द कलर फॉर्मेशन, जब ब्लड रिएजेंट के साथ मिक्स होता है और कोई कलर कॉम्पोजिशन बनाता है तो उसको हम फिर डाइल्यूट करके या ऑब्जर्व करके उसकी रीडिंग देते हैं, तो वो मेथड हमारा आता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर के अंदर में, जो कि आपने चार मेथड समझे। पहला आपका था सहालिज मेथड, दूसरा साइनोमिथ मेथड, तीसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, चौथा एल्कलाइन हिमैटिन। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है कितना, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या है, बाध्य है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, ऑक्सीजन कैरी करने के। तो अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं तो वो कितनी कैरी कर पा रहा है, हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा। मेजरमेंट ऑफ आयरन, आयरन इसका पार्ट है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं मेथड बेस्ड ऑन कलर डेवलपमेंट के ऊपर। तो कलर डेवलपमेंट में क्या कहता है, सहालिज और एसिड हिमैटिन मेथड हमने इसमें समझा था, सहालिज मेथड क्या कहता है इसको समझते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो ब्लड इज मिक्स्ड विद N/10 HCl रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ HB टू एसिड हिमैटिन व्हिच इज ब्राउन इन कलर। The solution is diluted till the its color match with the brown colored glass of the comparator box. The concentration of HB is read directly. अब इसको समझो क्या कह रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब हमारा ब्लड मिक्स होता है N/10 HCl से, तो वो कन्वर्ट होता है HCl हिमैटिन में, यानी आपका ब्लड और रिएजेंट मिक्स हुआ तो उसने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट का नाम है एसिड हिमैटिन, जो कि दिखने में ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन को एक कंपैरेटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे उस कंपैरेटर का कलर हमें मैच होने लगता है, तो जिस लेवल पे वो मैच हुआ है उसी लेवल पे हमारी रीडिंग हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है,
प्रिंसिपल समझने का। अब आ जाते हैं इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट आपके हीमोग्लोबिन सहाली मेथड के द्वारा यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इसमें, आता है आपका कंपरेटर यानी कलर ग्लास, फिर HB पिपेट आता है, ट्यूब आती है मिक्सिंग रॉड की, एक ग्लास रॉड आएगा और ड्रॉपर आएगा। रिएजेंट की बात करें, N/10 HCl रिएजेंट हो गया। अब ये N/10 क्या है, तो ये इसका कंसेंट्रेशन है यानी 1/10, ठीक है। N=1 है यहाँ पे, यानी एसिड 1 है और डिस्टिल वाटर आपका 10 है यहाँ पे, जो कंसेंट्रेशन बनाया हुआ है 1% सॉल्यूशन का बनाया हुआ है। फिर आ जाते हैं उसके बाद है आपका, सॉरी 0.1 का, नॉट 1%, 0.1 का डाइल्यूशन डिस्टिल वाटर की हेल्प से होता है। और सैंपल टाइप है इसका वेनल ब्लड, और अगर हम बात करें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है वेनल ब्लड में, यहाँ तो EDTA, EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर आप फॉलो किया जाएगा, तो एड N/10 HCl इनटू ट्यूब अप टू मार्क 2 ग्राम यानी 2%, ठीक है। सबसे लोवेस्ट मार्क 2, येलो कलर का जो मार्किंग में 2 मार्क लिखा होता है, वहां तक हम क्या करेंगे N/10 HCl को पोर करेंगे, डालेंगे ट्यूब में, ठीक है। मिक्स EDTA सैंपल जेंटली, हमने सैंपल जो है हमारा EDTA का उसको जेंटली मिक्स करना है, इनवर्टली मतलब उसको घुमाना भी है, ठीक है, प्रॉपरली मतलब मिक्स करना है, और 0.02 ml यानी 20 माइक्रोलीटर HB पिपेट से आपको पिपेट करके उसमें एस्प्रेट करना है। ध्यान रखना है कि सरफेस पे लगा हुआ एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो वाइप आउट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 20 माइक्रोलीटर ब्लड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट ऑफ ब्लड को कहा जाता है। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप ट्यूब को HCl उसमें डाला हुआ है, आप थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद आपके डाइल्यूशन से जो ब्राउन कलर का जो ट्यूब है कंपरेटर जो है उसमें आप डाइल्यूट करना शुरू करेंगे, मिक्स करके उसको छोड़ देंगे, अलाउ टू सेटल डाउन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए आपने क्या करना है, उसको लीव कर देना है, छोड़ देना है। आपने एसिड वो N/10 HCl डाला, आपने 20 माइक्रोलीटर ब्लड डाला, उसको मिक्स किया ट्यूब को, और 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ोगे, रिएक्शन शुरू होगा, 10 मिनट तक आप देखोगे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्राउन में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपरेटर लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, ड्रॉपर लेना है, और वो ट्यूब उठानी है, ट्यूब को कंपरेटर के अंदर डालना है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे, मिक्सिंग रॉड से हेल्प करेंगे, रॉड को रिमूव करके और कंपरेटर में उस ट्यूब का कलर क्रॉस मैच करेंगे। जैसे ही आपका कलर क्रॉस मैच हो जाता है, वैसे ही जो रीडिंग आई है वो एज इट इज आप दे देंगे, वो आपकी HB की रीडिंग होगी अकॉर्डिंगली सहालीज मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ये है आपका सहालीज का पूरा किट, यहाँ देख सकते हो ये HB पिपेट है, ये N/10 HCl है, यहाँ ड्रॉपर है, यहाँ ये ट्यूब क्लीनिंग के लिए ब्रश दे रखा है, यहाँ पे मिक्सिंग रॉड है अंदर, ये कंपरेटर है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये ब्राउन कलर का जो है, यहाँ आप देखोगे ये शेड की वजह से दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, जो कलर होता है कंपरेटर का वो इस तरीके से कुछ आपको ब्राउनिश दिखाई देता है, ब्रिक ब्राउन बोलते हैं इसको, अगर एग्जैक्ट टोन कलर टोन की मैं बात करूँ तो इट्स अ ब्रिक ब्राउन, ठीक है। ये सहालीज कंपरेटर है, सहालीज HB मीटर भी इसको कई जगह नाम से जाना जाता है, यहाँ उसके बीच में ट्यूब रहेगी और वो ट्यूब में आपका सॉल्यूशन रहेगा, उसको आप डाइल्यूट करोगे और दोनों कलर के हिसाब से आप उसको मैच करोगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले सहालीज मेथड के एडवांटेज की। इजी टू परफॉर्म, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक ट्यूब लेनी है, EDTA सैंपल लेना है, N/10 HCl लेना है, HB पिपेट होगी, मिक्सिंग रॉड होगा, और आपका साथ में क्या रहेगा, कंपरेटर रहेगा, आपने पहले 2 मार्क तक रिएजेंट डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें आप ब्लड डालेंगे 20 माइक्रोलीटर सहालीज पिपेट से, उसको इंक्यूबेट करेंगे 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, और फिर आप उसका कंपरेटर से कलर मैच कर लेंगे। कोई भी इसमें ऐसा एक्सपर्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, यानी ईजी टू परफॉर्म है। दूसरा क्विक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं आप इसको, आपने फिंगर प्रिक किया होल ब्लड से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम पे,
10 मिनट का टाइम खाली आपका इंक्यूबेशन में जाएगा। इंक्यूबेशन के बाद जो टेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं अपने ऊपर है कि आप कितना एक्सपर्टीज है, कितनी जल्दी आप कलर मैच कर पा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिंगर प्रिक से आप क्या करते हैं कैपिलरी पंचर करके और HB परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सेम टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसमें खर्चा बहुत कम लगता है। N/10 HCL भी आपका 2 मार्क लग रहा है, 2 मार्क का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर 25 या 50 माइक्रोलीटर तक वो ट्यूब के अंदर वॉल्यूम जो है वो आता है। यूज कर सकते हो आप इसको बेड साइड पेशेंट के भी, मतलब अगर कोई पेशेंट ICU में है तो आप वहीं पे पूरी किट ले जाके वो HB टेस्ट आप उसका सहाली से परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी एक टेक्नीशियन एक्सपर्टीज की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई नॉर्मल पर्सन को भी अगर हम बता दें कि इस तरीके से 20 माइक्रोलीटर ब्लड पिपेट करना है, इसमें डालना है, इतने मार्क तक डालना है, कलर मैच करना है और रीडिंग जो रीडिंग स्केल में आ रही होगी वो लिख देना है, तो कोई बिना एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी कोई लर्नर भी इसको बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। आज ये तो हो गए हमारे इसके एडवांटेज यानी मेरिट्स, क्या क्या इसके सुविधाएं थी टेस्ट की। अब डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लेस एक्यूरेसी। अगर यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, सपोज एक जानवी है, एक मोहित है और एक संतोष है, तो अगर जानवी ने टेस्ट किया तो हो सकता है कि कलर कंपैरेटर से मैच करते वक्त लाइट सोर्स ना रहा हो तो इनकी रीडिंग अलग आएगी, मोहित परफॉर्म करेंगे तो उनकी रीडिंग अलग आएगी, संतोष परफॉर्म करेंगे तो उनकी रीडिंग अलग आएगी। यानी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन उनका आई फ्रिक्वेंसी कैसा है, 6/6 है, 6/12 है, कैसा है, कंपेरिजन कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। एक्यूरेसी के मामले में ये टेस्ट थोड़ा सा मार खा जाता है। बात करें हीमोग्लोबिन की, तो सारे टाइप के हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाते हैं, स्पेशली ऑक्सी और सुपर हीमोग्लोबिन जो है, यानी कई सारे एज के ग्रुप में अगर आप इसको वैरायटी ऑफ एज ग्रुप में लगाना शुरू करोगे तो ये जो सहालीज मेथड है वो आपका परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाएगा। यानी अब वो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन अगर आपको याद हो, पुराना भी जो समझाया था 2α 2β 2α 2γ, तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो कई बार वो प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स इसके साथ बाइंड नहीं कर पाते हैं, तो एक्यूरेसी की वहाँ प्रॉब्लम आती है। तीसरा, कलर जो है एसिड हिमैटिन का वो क्या होता है, वो डिस्पर्स होने लगता है। जैसे आज आपने सपोज इंक्यूबेशन रखा आपका, ज़्यादा देर हो गया तो कलर ज़्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम रह जाएगा। फिर उसके बाद एसिड जो आपने N/10 HCl एसिड बनाया है, हो सकता है कि वो लंबे टाइम तक रख दिया आपने तो वो खराब हो गया, उसमें सनलाइट का एक्सपोजर की वजह से खराब हो गया। यानी N/10 सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं वो भी फ्रेश सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 हफ्ते पुराना सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कलर अपीयर जो है उसका, जो कंपैरेटर का कलर होता है वो भी टाइम टू टाइम क्या होता है, डल होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। उसके वर्किंग स्क्रैच आ जाना ट्यूब्स में, या ग्लास रॉड प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल वेरिएशन कितना देखने को मिल सकता है कलर सीन में, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाता है कभी कभार कलर सीन में, कि आपने पिपिटिंग जो की है 20 माइक्रोलीटर ब्लड, सपोज वो ज़्यादा हो गई या सपोज वो कम हो गई, एयर बबल आ गया, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि आपको प्रॉपर वो दिखाई नहीं देगा, मतलब कलर अपीयरेंस प्रॉपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। रूम का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाए, 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा है या कम है, या आप सनलाइट एक्सपोजर में आपने टेस्ट लगा दिया, ठीक है, तो हीट ज़्यादा होने की वजह से उसका रिजल्ट वेरिएशन, मतलब कहने का है कि कुल मिला के बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑफ रिजल्ट, यानी एक्यूरेसी का जो मामला है सबसे ज़्यादा वो सहालीज में कहीं ना कहीं वेरी करता है, कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड भी हो जाता है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल लगा रहा है वो अपने एक्सपर्टीज पैनल के हिसाब से लगा रहा है, दूसरा कोई लर्नर लगा रहा है, आसान है लगाना लेकिन रिजल्ट वहीं वेरिएशन काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सहालीज मेथड से आपने हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छी से समझा होगा।